2 मिनट के लिए रुकते हैं और फिर शुरू करते हैं 12 बजे। अगर कोई अटेंडीज इधर आते हैं तो आवाज़ आ रही है कि नहीं प्लीज़ कंफर्म कीजिए, क्योंकि पता नहीं है। अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ वो कमेंट में लिख के भेजेंगे, सही आ रही है तो समझ में आएगा। आवाज़ आ रही है मंगलेश, राइट? थैंक यू सो मच। आवाज़ आ रही है कि नहीं, अगर कोई लिख के भेजेगा कमेंट में, थैंक यू। यस, थैंक यू। बारह बज गए हैं और एकदम डॉट पे शुरू करना चाहूँगी। तो सबसे पहले नित्य नूतन वार्ता के बारे में पता तो नहीं था, लेकिन जब से ज्वाइन किया है इधर का जो पॉजिटिविटी देखा तो बहुत अच्छा लगा कि ये ग्रुप का पार्ट होने का मौका भी मिला और इधर यही प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। तो चाहूंगी कि ग्रुप का एक जो एक उसका स्पिरिट समझ में आता है, जो पॉजिटिविटी है, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, तो वही थ्रेड को लेके शेयर करना चाहूंगी जो भी करूंगी। दूसरी चीज ये है कि इधर बहुत सारे जिन्होंने होम स्कूलिंग या एजुकेशन के अलग अलग पहलू को समझा है वो इधर आके अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे, तो पूरा एक सीरीज अगर इसी विषय पे हो जाए तो पता नहीं कितना नॉलेज एक साथ आ जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी नॉलेज है, वो भी शेयर करना चाहूँगी यही प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन करके देती हूँ। सुप्रिया जोशी नाम तो सबको समझ में आया होगा। वैसे तो क्वालिफिकेशन अगर पूछा जाए, अभी होम स्कूलिंग की बातें चल रही है तो शायद क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता हो, फिर भी अगर कोई क्वालिफिकेशन बताना ही है कोई मंच पे, तो मैंने एमसीए किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसका फुल फॉर्म है। जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंने आईटी के फील्ड में मास्टर्स डिग्री लेके कोडिंग का काम करना, ये उसके आगे वाली स्टेप रहनी चाहिए, लेकिन मेरे इंटरेस्ट अलग थे थोड़े। बच्चों को कैसे बड़ा करना है ये इंटरेस्ट है, ये मैं शायद से समझती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशन में प्रोफेशनल वर्क करने का सवाल आ गया, समझ में आया कि बच्चों को सिर्फ मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है वो जो सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद है। जो बहुत पसंद है वो सब्जेक्ट ये है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या फिर स्कूल के बाहर भी हर पल हम लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ सामने होती है तो उसका लर्निंग हर एक के लिए अलग अलग रहता है। और उसमें हमारा जैसे अपब्रिंगिंग ज़रूर उसमें एक फंडामेंटल रीज़न है, लेकिन दूसरा रीज़न तो ये भी ज़रूर है कि कुछ ब्रेन में हमारे मैं इतना साइंस तो जानती नहीं, लेकिन ब्रेन में हमारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस वजह से हम एक तरीके का ही अभ्यास पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मेरे बारे में ही बताना होगा तो मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर किया है कि मुझे रीडिंग डिसलेक्सिया है, कि जैसे अगर कोई इधर मंगलेश ने हाय लिखा है तो वो हाय में तो सिर्फ दो अल्फाबेट्स है, एच और आई, लेकिन ये दो अल्फाबेट्स मेरे लिए हिल रहे हैं, स्टैटिक नहीं है।
तो मेरे लिए कुछ भी चीज़ पढ़कर सीखना, वो टेक्स्ट पढ़कर सीखना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन वो कभी समझ में नहीं आया, लेकिन वीडियोस देख के या फिर वो चीज़ करके मैं बहुत अच्छा नॉलेज पाना चाहती थी, लेकिन कभी वो अवसर ज़्यादा मिला नहीं और मेरा इंटरेस्ट तो बढ़ गया इसी विषय में। तो जब काम करने का सवाल आया तब तो MCA की डिग्री चाहे ले ली हो, IT में काम करने का सवाल ही नहीं था। तो इसके लिए काम ही शुरू किया बच्चों के साथ एजुकेशन फील्ड में। वैसे तो उसका कोई ज्ञान नहीं था मुझे, या फिर कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट होता है, अभी ये होम स्कूलर्स के प्लेटफॉर्म पे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ पे इंटरेस्ट होता है नॉलेज अपने आप हम पाते हैं। तो फिर बहुत, अगर पढ़ने के लिए तकलीफ भी होती थी, फिर भी बहुत सारे बुक्स पढ़ने की कोशिश की और अपना अपना इंफॉर्मेशन अपने अपने अनुभव से उसका नॉलेज में क्या परिवर्तन हो सकता है वो खुद कोशिश की। और जब काम करने का सवाल आया तो बच्चों के साथ काम करने का अवसर मिला, उस विषय में तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्फन बच्चे, जो अनाथ बच्चे रहते हैं, या फिर कैंसर से पीड़ित बच्चे रहते हैं, या फिर विजुअली चैलेंज जो बच्चे रहते हैं, लड़कियों के साथ काम किया है ऐसे, या फिर यूथ के साथ, या फिर एक बार कश्मीर से जो मुंबई में जिनको आना पड़ा, जिनका घर उजड़ गया था उधर के सिचुएशन में, तो उनके बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला, कभी स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसे 14 प्रकार के बच्चों के साथ आज तक मैंने काम किया है, जो अपने CCI के बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही दिलचस्प चीज़ है कि जो हमको अच्छा लगता है वही हम सीखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है? तो सबसे अच्छा क्या लगता है, ये सवाल जब वही गवर्नमेंट होम के बच्चों को हमने पूछा था कि तुम्हारी खुशी किसमें है, तो हर एक जन अलग-अलग जब चीजें बताने लगा, तो हमने बोला चलो ग्रुप बनाओ और सबका एक कॉमन आंसर निकालते हैं कि सबको ऐसा कौन सा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसमें खुशी है आपकी। तो वो गवर्नमेंट होम के बच्चे जो जिन्होंने कुछ लाइफ में उनके हाथ से हुआ रहेगा, ऐसे साबित हुए ना हुए तब तक उन्हें गवर्नमेंट होम में रखा जाता है, बड़े बड़े वॉल्स है, वो वॉल्स के अंदर उनको रखा जाता है। जब ग्रुप ने एक साथ डिस्कस किया और एक आंसर निकाला तो वो आंसर आ गया, जब रात को हम लोग सोते हैं और बाहर से गाड़ियों की सिर्फ आवाज़ आती है बाहर की दुनिया से, वो हमें बहुत दिलचस्प लगती है, उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो पता नहीं किसकी खुशी किसमें छुपी हो और किसकी क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट उस विषय में बढ़ने लगी हो, यही क्वेश्चन अगर कैंसर से पीड़ित जो बच्चे थे उनके साथ जब मैं काम कर रही थी, और जिसको एक लड़की थी जिसको हॉस्पिटल में रखा गया था क्योंकि उसका कोई होप नहीं था क्योर होने का, तो यही क्वेश्चन जब उसके साथ उसके तरीके से बातचीत कर रही थी उसके साथ, तो उसने बोला जो 3 इडियट्स का एक गाना है, अभी मुझे शायद उसके वर्ड्स याद नहीं आएंगे, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, जिसमें बोला गया है कि मुझे एक बार फिर से जीना है तो मुझे वो चांस चाहिए। तो वो लड़की ने बताया था कि मुझे वो गाना सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चे तो अपने अपने तरीके से जो अच्छा लगता है वो बोल देते हैं, और हमें लगता है कि जो उनको अच्छा लगता है वो करने देना चाहिए, और वो करने देने में ही उनका कितना सारा लर्निंग शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं रहता। कभी-कभी
बाकी सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो तरीके से आगे जाते हैं उसी तरीके से हम अपने बच्चों को भी भेजना चाहते हैं। तो इसी विषय में, अगर आपके बच्चे स्कूल में भी जाते हो या फिर नहीं जाते हो, फिर भी हर एक पेरेंट को ये तो ज़रूरी होता है पता करना कि अपना बच्चा या फिर ये गवर्नमेंट या फिर स्कूल सिस्टम या फिर समाज अपने बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से इवैल्यूएट करेगा। इसमें सब कोई आ गए, गवर्नमेंट भी आ गया या फिर कोई उसको आगे जाके जॉब देगा वो भी तो आ गया। एजुकेशन सिस्टम तो डेफिनेटली आ गई, क्योंकि अगर बच्चे को आगे कुछ एजुकेशन लेना है तो उसने पहले क्या ज्ञान पाया है वो इवैल्यूएट तो होगा। तो इसके लिए मुझे लगा कि यही विषय पे बात करनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये टॉपिक चुना है। जो नॉलेज मुझे ये विषय में है वो शेयर करने से पहले एक बात करना चाहूँगी कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद से बहुत राइट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो है, जो जो विषय में बात चल रही है वो विषय सबको पता है, तो शायद से क्या बताना था ये सब समझ ही जाएंगे ऐसे उम्मीद है। ये विषय में मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ मेरे बारे में ज़्यादा बताऊँ या फिर फिलॉसफी के बारे में बताऊँ, तो फिलॉसफी तो हर एक के लिए अपने अपने एक्सपीरियंस से उसका इवॉल्व होता है नॉलेज फिलॉसफी का। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ बताऊं तो शायद से कोई उससे कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सबके लिए वही रहेगी। जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के नियम है, क्वालिफिकेशन है, वो तो बदलेंगे नहीं ना। तो इसके लिए ऐसे विषय में मैं प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना चाहूँगी, बल्कि इसमें मेरे भी कुछ बहुत फर्म ओपिनियंस है, लेकिन अगर बोलते बोलते वो निकल गए कुछ स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए, कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए अगर स्टोरी निकल गई तो उसको उतना ही महत्व दीजिए जितना देना चाहिए, क्योंकि शायद से जो मेरे लिए मुझे अनुभव से पता चल गया है, नॉलेज है, वो आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगा या फिर अलग भी हो सकता है। आपका नॉलेज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये ओपिनियन जो मेरा रहेगा उसको जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है उससे सेपरेट कीजिए, और जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है उसका पूरे पूर फायदा लीजिए, क्योंकि उसको अगर आप प्रमाण मान के चलेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन और अल्टरनेटिव एजुकेशन, ये दोनों चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कब कर दिया गया। तो जब अल्टरनेटिव एजुकेशन का जन्म हुआ, जब 1960s में जब अल्टरनेटिव एजुकेशन सबसे पहले इस दुनिया में आ गया, तो उसका रीज़न ही इवैल्यूएशन था। बहुत दिलचस्प बात है, उसका रीज़न इवैल्यूएशन इसलिए था कि अल्टरनेटिव एजुकेशन वो बच्चों के लिए था जो इवैल्यूएशन में फेल हो गए थे, जो कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल नहीं कहे जाते थे। तो इसके लिए अल्टरनेटिव एजुकेशन दे के उसको रेमिडियल एजुकेशन भी बोलते थे, डेवलपमेंटल एजुकेशन भी बोलते थे। उनको वो स्किल्स सिखाए जाते थे थोड़े बहुत, कि जो करके वो कुछ अपने ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े रह पाए या फिर कॉलेज का एजुकेशन ले पाए। तो जैसे हम बोलते हैं कि सराव वर्ग, जब हम छोटे थे तो हमारा सराव वर्ग लिया जाता था कि हम 10वीं कक्षा में अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, तो वैसे वो सराव वर्ग लिया जाता था, जो वो उसका नाम था अल्टरनेटिव एजुकेशन। तो मतलब वो इवैल्यूएशन से इवॉल्व हो गया,
लेकिन ये इवैल्यूएशन करना या नहीं करना, ये जब हक माना गया, जैसे आज के तारीख में बहुत सारे लोग समझते हैं कि इवैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अपने ऊपर अपने अनुभव के अनुसार हमको डिसाइड करने का फ्रीडम होना चाहिए। तो जब ये इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, ये फर्स्ट चॉइस बन गया, ये सिर्फ वो इवैल्यूएशन में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं इसलिए वो थ्रेट बन के नहीं रह गया, लेकिन हमको वो चाहिए ही नहीं इवैल्यूएशन। जब ये चीज आ गई समाज में, तब होम स्कूलिंग करके भी या फिर अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं तो उनको कितने मार्क्स आते हैं, या फिर 10वीं कक्षा में उन्होंने क्या गुण, क्या सर्टिफिकेट लाया है ग्रेड का, वो मायने नहीं रखता था वो पेरेंट्स के लिए। मतलब ये दो चीजें हैं, एक आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, और दूसरा पेरेंट्स का, बच्चे का, फैमिली का माइंडसेट क्या है अल्टरनेटिव एजुकेशन के बारे में, नहीं इवैल्यूएशन के बारे में। अगर बच्चा स्कूल भी जाता है तो भी ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं बच्चा जो चाहिए वो कर, जितने भी मार्क्स आएंगे तो खुश रहे। उसमें ही हमारी केस मैं बोलूंगी, हमारे जो बच्चे थे, मैं उसी टाइप की माँ रही हूँ। मैंने हमारे बच्चों को बोला था कि स्कूल तो आप जा रहे हो लेकिन कितने मार्क्स लाओगे इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब इवैल्यूएशन पे मैंने काट मारा था। मुझे बहुत दिलचस्प बात याद है, जब मालविका, राधा, हमारी दो बिटिया छोटी थी, और जब हम स्कूल जाते थे और तभी सभी जो पेपर्स दिखाते थे ओपन डे को, तो सभी पेरेंट्स बैठ के अपने अपने बच्चे के साथ वो पेपर के मिस्टेक्स देखते थे और डिस्कस भी करते थे कि ये क्यों हो गया, और एक आध मार्क अगर कम ज्यादा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर गलती से कम दिया हो तो फिर टीचर के साथ लाइन लगा के भी खड़े रहते थे वो आधा एक मार्क बढ़ाने के लिए। शायद से उनको इवैल्यूएशन थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो इवैल्यूएशन पे मैंने तो काट मारा था। इसके लिए मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, वो साइन करने के लिए ओपन डे को जाती थी, और बच्चों को थोड़ा वियर्ड लगता था। सबकी मम्मा बेंच पे बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कस करती रहती है और हमारी माँ तो आती है और साइन करके हमको लेके चली जाती है। तो एक बार दोनों में से एक ने मुझे बताया था, कम से कम वो बेंच पे थोड़ी देर तो बैठते हैं, लोग हमको देखते हैं कि तुम उसमें इंटरेस्ट लेती हो कि नहीं लेती। मतलब बच्चों का मन भी वो इवैल्यूएशन को लेके कैसे धीरे धीरे शेप हो जाता है। जो बाकी सारे कहते हैं कि ये इवैल्यूएशन सही है, बच्चे धीरे धीरे वही मानने लगते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने होम स्कूलिंग किया उनको पहले से अपने बच्चों को शायद से ये तरीका सिखाना था कि ये जो इवैल्यूएशन है वो सिस्टम से हम दूसरा कुछ एक नया तरीका अपना रहे हैं, सीखने का भी और इवैल्यूएशन का भी। तो अगर ये सब डायनामिक समझ में आया है तो मैं एक स्लाइड पेश करना चाहूँगी, इधर प्रेजेंट करना चाहूँगी आपको। मैं देखती हूँ कि वो फैसिलिटी है या नहीं है इधर। शायद से वो फैसिलिटी नहीं दिखती है मुझे। ओके, मैंने थोड़े स्लाइड्स तैयार किए थे लेकिन शायद इधर मुझे पता नहीं है कि वो कैसे शेयर किए जाते हैं। तो ठीक है, मैं यही प्लेटफॉर्म पे फिर बाद में आपको वो स्लाइड्स भेज दूंगी, तो शायद से मैं क्या बोलती हूँ वो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब अल्टरनेटिव एजुकेशन या मोर कॉमन
जो टर्म है वो होम स्कूलिंग है। तो होम स्कूलिंग पकड़ते हैं, जब होम स्कूलिंग में बच्चों को इवेल्युएट करने का अलग तरीका ढूंढ रहे थे, तो लोगों को तीन तरीके मिल गए इवेल्युएशन करने के। एक जो है कि होम स्कूलिंग करो लेकिन बोर्ड एग्जाम दे दो। ये जो बोर्ड एग्जाम देते हैं जो होम स्कूलिंग करते हैं बच्चे, तो वो तो पूरा साल भर या फिर कितने सालों तक वो शायद से स्कूल का करिकुलम फॉलो नहीं करते होंगे। लेकिन जब क्लास 10 या क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम जो प्रमाण अभी भी माना जाता है वो एज के बच्चे होते हैं, या फिर बच्चों से कोई भी एज में, या एज ऑफ 20, एज ऑफ 22, कभी भी उनको अगर लगता है कि मैं वापस वो बोर्ड एग्जाम देके मुझे इवेल्युएट करनी है वो जर्नी, तो वो होम स्कूलर्स भी बोर्ड एग्जाम देते हैं। मतलब सीखने का तरीका और इवेल्युएशन का तरीका, ये दोनों बहुत अलग तरीके हैं। सीखने का तरीका होम स्कूलिंग है, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम देके खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। जब मैं बोल रही हूँ खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं, कौन करता है इवेल्युएट? ये तो एजुकेशन सिस्टम आपको इवेल्युएट कर रहा है, आपके बच्चे को इवेल्युएट कर रहा है। और वो कौन से बेसिस पे कर रहा है, बच्चे ने आज तक कितना नॉलेज पाया, ये उसमें वैसे भी इवेल्युएट नहीं हो रहा है। बच्चे ने आज तक क्या क्या इंटरेस्ट परस्यू किए हैं, क्या पैशन परस्यू की है, वो उसमें इवेल्युएट नहीं हो रहा है। उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस जो स्कूल के बच्चों का वैसे भी इवेल्युएट होता है वो इवेल्युएट होता है, लेकिन एक चीज से आप आपके बच्चे को बचा रहे हैं, वो कौन सी चीज है? वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपको याद रहेगा हम जब छोटे थे हमारी मराठी मीडियम स्कूल में हम उसको घटक चाचणी बोलते थे। 2 महीने हो गए कि घटक चाचणी शुरू हो गई। ये जो एग्जाम का सिलसिला रहता है वो एक बार नहीं रहता ईयर में, वो चालू ही रहता है। खेलने में भी कंपटीशन ही रहता है कि वो फिर स्पोर्ट्स डे रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स डे पे जितना खेलना है खेलो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे और कौन तीसरे नंबर पे, ये चुनने के लिए वो स्पोर्ट्स डे रहता है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे तो 3 या 4 बच्चे आएंगे, तो बाकी बच्चों का इवैल्यूएशन क्या हो गया? तो इसीलिए एक एक 4 साल हो गए जब एबीपी माझा जो चैनल है उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, लाइव इंटरव्यू था, और लाइव इंटरव्यू में जब कोई अपने को पूछता है तो जो मन में आता है हम बोल देते हैं, वो लिखा हुआ नहीं रहता ना। तो जब पूछा कि ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो अगर मौका मिला तो आप बदलना चाहोगे, आप माने मैं, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो मैं बदलना चाहती थी? तो शायद से वो एक पॉज जब लिया तब इतना ही हो गया कि जो जख्म थे बचपन के जो भरे ही नहीं थे कभी, वो फिर से ताजा हो गए, उसकी याददाश्त ताजा हो गई। बाकी तो कुछ नहीं हुआ, सोचना नहीं पड़ा। और मैंने बोल दिया, 3 चीजें पूछी थी मैंने, बोला परीक्षा परीक्षा परीक्षा। अगर मुझे 3 भी चीजें बदलने का मौका मिले तो तीनों बार मैं बोलूंगी कि ये जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो बदलो। किसका इवैल्यूएशन ले रहे हैं हम? जो बच्चा जिसको बोला कि तू स्कूल जाना है तुझे 3 साल की उम्र में कभी कभी, या फिर 6 साल की उम्र में तो पक्का पक्का, ज्यादातर बच्चे 3 साल की उम्र में ही जाते हैं, फिर भी स्कूल जाना है, बच्चा गया, रोज इतने बुक्स लेने हैं, वो भी कैसे, वो टाइम टेबल से लेके कितना भी वो हेवी क्यों ना हो, बोलो तुझे लेके जाना है, उसी टाइम पे खाना है, बीच में भूख लगी तो खाना नहीं,
उसी टाइम पे खाना है जब तुझे बोला गया है, और उस टाइम पे अगर भूख नहीं है तो भी खाना है। क्यों? क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा, खाना है तो अभी खाओ। और खाना भी क्या है, जो भी ठंडा, ठंडा तो होगा ही, कितना भी गर्म करके क्यों ना मिला हो। या फिर समय नहीं है इसके लिए, जो भी टिफिन में आया है वो खाना है तो वो खाया, कभी कंप्लेंट नहीं किया। फिर बोला सोने का मन क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जो भी बोल रहे हैं टीचर वो ध्यान देके सुनना है। तो अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा भी हो गया तो चुपके से किया, क्योंकि सुना है। जैसे कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, जो नींद आ रही थी, वो बहुत गलती हो रही थी कुछ, तो वो भी किया। उसके बाद उसको बोला कि अभी घर जा। वो भी कभी कभी स्कूल बस में इतने सारे बच्चे, तो पता नहीं ये सब में कितना थक गया होगा बच्चा, लेकिन घर जा और उसके बाद ये होमवर्क कंप्लीट कर। तो वो भी किया, जितना हो सके उतना तो किया। फिर बोला एग्जाम के लिए तैयारी कर, वो भी किया और एग्जाम दिया। जो भी एजुकेशन सिस्टम ने बच्चे को बोला, बच्चे ने तो वो सब कुछ किया। अगर उसके बावजूद बच्चे को कम मार्क्स मिलते हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी? ये तो पता नहीं, कुछ इक्वेशन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि एग्जाम किसकी होनी चाहिए। एग्जाम तो एजुकेशन सिस्टम की होनी चाहिए, कि सब कुछ एजुकेशन सिस्टम के अनुसार बच्चा फॉलो कर रहा है, और फिर भी अगर बच्चे को मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो गलती किसकी है? अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बच्चे की गलती नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप बोलो कि बच्चा तू खड़ा रहे कान ऐसे बड़े करके और फिर सुन ले, और वो नहीं सुने और इस वजह से उसको नहीं समझ में आए, तो ठीक है। लेकिन किसको गाइड किया है कि तू, ये अगर इवैल्यूएशन तेरा सही तरीके से नहीं आ रहा है तो तुझे क्या करना चाहिए? इसका आंसर एजुकेशन सिस्टम के पास नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन एजुकेशन सिस्टम में होता है। तो ये इवैल्यूएशन होम स्कूलर्स ने भी अपनाया, वो क्यों अपनाया? शायद से डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे प्रोफेशंस के लिए कॉलेज का डिग्री लिए बिना हम ये प्रोफेशंस नहीं कर सकते, शायद ये रीजन रहेगा। शायद ये भी रीजन रहेगा, जैसे बड़े बच्चे होते हैं, होम स्कूलिंग कर दिया, लेकिन जैसे 16 ईयर्स के हो गए बच्चे, उनको भी तो लगता है मैं कॉलेज जाऊँ, मैं मेरे एज के बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट हो, उनका जो मस्ती रहता है, मजा रहता है, जो नेचर से भी बच्चे बड़े हो रहे हैं नेचुरली, तो बहुत अलग तरीके के चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, और जो जो सोशल सर्कल है वो एक नीड बन जाती है। तो शायद कॉलेज में एडमिशन लेने का एक ही तरीका था, बोर्ड एग्जाम दे दो, तो इवैल्यूएशन को एक्सेप्ट कर लिया है ना। लेकिन ऐसे भी होम स्कूलर्स हैं जिन्होंने इवैल्यूएशन को उसका उसका उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। क्लॉड अल्वेरिस करके आपने उनका नाम तो सुना होगा, उनके विचारों के साथ मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ जब भी उनके साथ बात किया है। तो एक उन्होंने कहानी बताई थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है, कि उनके स्कूल में उनको एक बार टीचर ने बुलाया, और टीचर ने बोला कि बच्चों के टीचर ने, उनके बच्चों के टीचर ने, कि आपका बच्चा बिल्कुल स्टडीज में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है। उसके इवैल्यूएशन के बारे में उन्होंने, परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने रिमार्क्स पास किए। तो क्लॉड ने बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसको पता है कि ये चीज पे उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो
वो ढूंढ लेगा उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जो तरीके से इवैल्यूएट करना चाहते हो वो भी खुद को वही तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए मोटिवेटेड हो। तो यही विचार कई सारे होम स्कूलर्स ने अपने आप अंदर से उनके वो आवाज आ गई रहेगी, तो उनके विचार कुछ इस तरह से बन गए। लेकिन होम स्कूलिंग और एग्जाम देकर इवैल्यूएशन करना, इसमें अलग अलग क्या रिलेशनशिप्स है वो मैं आज जरूर डिस्कस करना चाहती हूँ रियल लाइफ स्टोरीज से। सिर्फ उनका नाम नहीं लूंगी बच्चों को, क्योंकि कोई भी बच्चे को कई बार मुझे पब्लिक फोरम में नाम लेना पड़ा है कैमरा के सामने, लेकिन अभी मैं भी सीख गई हूँ धीरे धीरे, बहुत गलती आ करके मैं सीख गई हूँ कि कोई बच्चे का नाम उसको पूछे बिना लेना बहुत गलत है। हम लोग जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड एजुकेशन के लिए नहीं ले सकते अपने बच्चे को, वैसे ही उनकी स्टोरीज बताने के लिए नहीं ले सकते। तो ये सभी बच्चों का नाम नहीं लिए बिना मैं सच बच्चों की, मतलब जो रियल लाइफ केसेस है, उनके स्टोरीज बताती हूँ। सभी होम स्कूलर्स हैं। एक होम स्कूलर है, उसने 7th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ दिया, भरपूर मज्जा मस्ती किया, उसको फिल्म मेकिंग बहुत अच्छा लगता था, तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े फिल्म्स बनाए। पहले उसके फिल्म्स देख के बहुत हंसते थे हम लोग, कैसे कैसे एकदम एकदम छोटे बच्चे बनाते थे, वैसे थे, टेक्निकली बिल्कुल अच्छे नहीं थे लेकिन बहुत मजा आता था। लेकिन 2-2.5 साल में बहुत अच्छे फिल्म्स देखने को मिल गए। जब 10th का समय आया तब बच्चे ने 3 महीने मेहनत की और 93% लाए। दूसरा एक बच्चा है जो अभी छोटा है थोड़ा, लेकिन उसके फैमिली ने होम स्कूलिंग का उनका पैटर्न ही ऐसे बना दिया है कि 3 महीने में उस साल का पूरा करिकुलम कंप्लीट करते हैं वो, और जो 9 मंथ हाथ में रहते हैं हर साल के, वो धमाल मचा मस्ती करते हैं। दूसरा एक पेरेंट है, वो यही पैटर्न यूज करता है, लेकिन वो 9 मंथ्स किस चीज के लिए यूज करता है, वो मज्जा मस्ती नहीं करते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती है, वो मम्मी जो जो मदर है वो तैयार करती है और उसको आगे का सिखाती है, शायद एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। किसी पेरेंट को सही या गलत बोलने वाले हम नहीं, किसी पैटर्न को सही या गलत बोलने वाले पेरेंट्स नहीं हैं, वो तो सिर्फ बच्चा डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस तरीके से सीखना है और क्या मुझे ये टाइप का इवैल्यूएशन लेना है या नहीं लेना है। तो इसी विषय में बहुत एक दिलचस्प केस है, कल ही मेरी उसकी मम्मी के साथ बात हो गई। बहुत प्यारी बच्ची है जो स्पोर्ट्स में, और ये जो कहानियां मैं बता रही हूँ, अगर कोई होम स्कूलिंग फ्रेंड्स है तो उनको तो समझ में आता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सब हमारे सब होम स्कूलिंग कम्युनिटी के बच्चे हैं, और वो बच्ची है, वो डाइविंग में इतना इतना खुशी उसको मिलती है, इतनी बहुत रस है उसको, इंटरेस्ट है, और उसने डेवलप भी ऐसे ऐसे चैलेंजेस को पार करके किया है। और कहीं किसी ने बताया इसके लिए उसने 10th का फॉर्म भर दिया था, डाइविंग का कुछ कोचिंग चालू था, और इधर कंप्यूटर एग्जाम का पहला जो पेपर था 10th बोर्ड का, तो टीचर का फोन आया कि अभी एग्जाम है, किधर है वो प्राइवेट कैंडिडेट, विच इज पॉसिबल इवन इफ यू आर अ होम स्कूलर, वो मैं अभी आऊंगी, आप प्राइवेट कैंडिडेट करके NIOS या फिर SSC बोर्ड या फिर IGCSE बोर्ड ये एग्जाम्स दे सकते हो। तो ये बच्ची को टीचर ने बुलाया कि अगर 10th का एग्जाम है और किधर है तू, तो आई, कंप्यूटर का एग्जाम दिया। फिर अगले वाला एग्जाम था, वो 21 दिन के बाद था, तो सोचने लगी मुझे 10th नहीं देना है, कुछ नहीं पढ़ा था,
4 5 दिन तक बच्ची सोचती रही, बच्ची की माँ ने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया रहेगा, इसके बारे में बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ पे बच्ची डिसाइड कर रही थी कि मुझे इवेलुएट होना है ये लेवल पे या नहीं। कितना सही तरीका है। तो 5 6 दिन इधर उधर बच्ची ने सोचा, फिर सोचा चलो मैं दे देती हूँ। 15 दिन रह गए थे एग्जाम को, बुक खुला भी नहीं था, पूरा पूरा साल तक बस बच्ची खेलती थी, खेलती थी माने डाइविंग की प्रैक्टिस करती थी। तो 15 दिनों में जो भी पढ़ सके पढ़ा, एग्जाम दे दिया, पास भी हो गई। परफॉर्मेंस नहीं चाहिए था, इवैल्यूएशन चाहिए था, बच्ची को चाहिए था, पेरेंट्स को नहीं चाहिए था। एक दूसरा बच्चा है बहुत अच्छा, गोल्फ खेलता है, लेकिन कंटिन्यूअसली दोनों अच्छे से मैनेज करता है। 2 साल हो गए उसके होम स्कूलिंग को, अभी 10th स्टैंडर्ड में है। दोनों ही करता है, पढ़ता भी है खेलता भी है, और बहुत नेशनल लेवल तक अभी पहुंच गया है, इतना खेलता है गोल्फ। अपना अपना तरीका सीखने का और इवैल्यूएशन का, खुद को ढूंढना है। या अगर इवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं चाहिए वो भी सही है, अगर आपको सूट करता है तो वो भी तो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों के साथ। ऐसे भी केसेस बताती हूँ, ऐसे भी स्टोरीज बताती हूँ। अभी अगर मेरी खुद की बच्ची का नाम भी नहीं बोलूँ तो भी सबको समझ में आएगा कि ये स्टोरी हमारी बच्ची की है, क्योंकि वो अभी जैसे बोलते हैं ना, सबको पता चल गई है, चाहो न चाहे पता चल गई है अभी। तो उसी की कहानी है कि कभी नहीं सोचा था कि बोर्ड एग्जाम दे दे, बस उसको जो अच्छा लगता था वो कर रही थी वो, और अचानक से ऐसा सिचुएशन आ गया सामने कि उसने जो भी किया था उस दिन तक वो इवैल्यूएट हो गया। वो कैसे हो गया? तो उसको बोलेंगे प्रोफाइल के थ्रू, जो भी उसका पोर्टफोलियो था वो इवैल्यूएट हो गया। पहले वाले केसेस में क्या इवैल्यूएट हुआ था? बोर्ड एग्जाम के थ्रू उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हुआ था, बराबर है? ये केस में क्या इवैल्यूएट हो गया? उसका पोर्टफोलियो इवैल्यूएट हो गया, मतलब उसको कोई विषय में इंटरेस्ट था लेकिन उसने कितनी मेहनत डाली है, कितना प्रोग्रेस किया है उस विषय में, तो उससे क्या समझ में आता है कि वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है, कौन सी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब इवेल्युएट हो गया उसका। और उसी बेसिस पे उसको MIT में एडमिशन मिल गया, जो वर्ल्ड की थोड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटीज है उसमें वो मानी जाती है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जो बच्चा है, क्या उसका जो खुद का इवैल्यूएशन का तरीका है, क्या वो बदलता है? अगर वो उधर है भी तो वो खुद के लिए सीख रही है, फिर भी वो डिग्री या बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं सीख सकती, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन का, खुद के इवैल्यूएशन का तरीका अलग है। तो अभी हम दो तरीके से देख रहे हैं कि एक स्कूल कैसे इवैल्यूएट करता है और एक बच्चा खुद का जर्नी कैसे इवैल्यूएट, खुद का लर्निंग कैसे इवैल्यूएट करना चाहता है। ऐसे ही और एक केस बताती हूँ जिसका बोर्ड एग्जाम के बिना पोर्टफोलियो के इसके उसको लेके उसका जर्नी बहुत सही तरीके से इवैल्यूएट हो गया। जो जो उसने किया था वो इवैल्यूएट हो गया, इसके लिए सही तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि इतना सरल भी तो नहीं है कि दिखाने के लिए अगर अपने पास 10th का मार्क्स नहीं है, 12th का मार्क्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का रिकमेंडेशन कोई टीचर का नहीं है, रिकमेंडेशन तो कोई भी दे सकता है लेकिन वो टीचर नहीं है, तो कैसे कोई माने कि इसको ये इंडिकेटर्स के लिए इवेल्युएट करे, ये क्राइटेरिया के लिए। लेकिन जो ये दूसरी बच्ची है उसका जर्नी फिर भी इवेल्युएट हो गया। अभी वो बच्ची 18 साल की रहेगी शायद से, वो USA में अपना क्या कहते हैं
उद्योजक या फिर व्यावसायिक एंटरप्रेन्योर, वो यूएसए में बहुत छोटी सी है लेकिन एंटरप्रेन्योर बन गई है, खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। लेकिन उधर गई कैसे, कि वो इधर स्कूल छोड़ दिया? क्यों स्कूल छोड़ दिया? क्योंकि उसको ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। जो ऐप डेवलप किया वो एप्पल के फाइनेंस कैटेगरी में सेकेंड नंबर पे पहुंच गया। 13 साल की शायद से थी बच्ची, उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे इलाके से है, लेकिन वो ऐसे जगह पे पहुंच गया। उसने ऐप जो डेवलप किया कि पूरे जग ने उसको इवैल्यूएट किया, उसके जर्नी को इवैल्यूएट किया। अगर अगर कोई देखता है 13 साल की बच्ची, इतने पैशन के साथ उसने ना सिर्फ ऐप डेवलप किया लेकिन उसको सामने भी लाया लोगों के, और वो ऐप अभी सेकंड नंबर पे है, तो फिर उसको आगे कितना सपोर्ट मिलेगा? लेकिन ये सपोर्ट एजुकेशन सिस्टम के तरफ से नहीं, ये सोसाइटी ने उसको इवैल्यूएट किया हुआ एग्जाम्पल है। तो जब हमारा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेज हमको इवैल्यूएट करके एडमिशन दे दे, बल्कि हार्वर्ड, एमआईटी, बहुत सारे आईवी लीग कॉलेजेस इस तरीके से इवैल्यूएट कर चुके हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। इंडिया में 100% गारंटी है कि ऐसे इवैल्यूएशन नहीं होगा, नहीं होने की गारंटी है, लेकिन इवैल्यूएशन होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पोर्टफोलियो जिस तरीके से दिखेगा उस तरीके से उसको इवैल्यूएट करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, और शायद से उसको उधर एडमिशन मिल सकता है, स्कॉलरशिप के साथ मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन एक केस मैं उस बच्चे का बोलना चाहूंगी, जिसके मम्मी पापा को इवैल्यूएशन से बिल्कुल लगाव नहीं था। बच्चे को ये भी तो सबको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे को उसका जैसे विचार बनता गया, बच्चे को कभी कोई सिलेबस सीखने के लिए मम्मी पापा ने फोर्स नहीं किया था, लेकिन खुद ने उसने डिसाइड किया कि मुझे इवैल्यूएशन में पढ़ना है, मुझे खुद को इवैल्यूएशन करना है, वो भी आगे जाके यूनिवर्सिटी का एजुकेशन लेने के लिए। तो उसने एक उम्र में, 1 या 2 साल में, वो जो उसके लिए जो करना था वो आईजी के लिए, आईजी बोर्ड के लिए वो कर दिया, और यूनिवर्सिटी जो एक अब्रॉड में एक यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चा सीख रहा है। तो बच्चे को भी लग सकता है कि मैं इवैल्यूएशन मेरा करूं, और उसकी भी प्रेरणा अलग-अलग बिल्कुल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा मार्क्स लाने के लिए इवैल्यूएट करना है, उसको एक आध यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट रहेगा, या फिर उसको फ्रेंड्स को मिलना है, या फिर उसको थोड़ा सिक्योर करना है, उसका एजुकेशन थोड़ा सिक्योर करना है। तो ये इवैल्यूएशन का नीड बच्चों से आना बहुत जरूरी है, तभी वो उस इवैल्यूएशन के लिए जितना टाइम एनर्जी देना चाहिए, उनके मन में जो उसका रीजन है उतना टाइम और एनर्जी खुद के मन से देंगे। तो वही तो शायद से मीनिंगफुल लर्निंग हो गया, इवैल्यूएशन के लिए जो किया वो मीनिंगफुल लर्निंग हो गया, क्योंकि वो खुद के राजी खुशी से कर रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी कि जो एनआईओएस बोर्ड है हमारे इंडिया में, जो शुरू हुआ 1989 में, और वो क्यों शुरू हुआ, वो भी तो इसीलिए शुरू हुआ कि जो लिटरेसी है वो उनको बढ़ानी थी, इसलिए नहीं शुरू हुआ कि वो फर्स्ट चॉइस होगा, वो फर्स्ट चॉइस था भी नहीं। अभी होम स्कूलर्स का, वो शायद से कोई कोई होम स्कूलर्स का फर्स्ट चॉइस बन गया है वो बोर्ड, जैसे एसएससी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, वैसे एनआईओएस या फिर उसको एनओएस भी बोलते हैं अभी, नेशनल ओपन स्कूलिंग।
तो ये जो NIOS बोर्ड था वो लिटरेसी के लिए बना था, और जो बच्चों को लिटरेसी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, लेकिन होम स्कूलर ने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी और किया होम स्कूलिंग, और देते हैं NIOS। कितना सही तरीका बन गया, और कॉलेज तो बिल्कुल नहीं देखता कि आपने NIOS के साथ किया है आपका रजिस्ट्रेशन 10th स्टैंडर्ड के लिए, या SSC महाराष्ट्र बोर्ड से किया है, या फिर IG बोर्ड के लिए। इसमें मैं इतना ज्ञान नहीं है मुझे, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बोर्ड तो डिस्क्रिमिनेशन, कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या फिर स्कूल से आए हुए हो, ये नहीं होता है। अगर आपको एक स्कूल जाने वाले बच्चे को 85 मिल गए और आपको 85 मिल गए, तो दोनों का मार्क्स देख के एडमिशन डिसाइड होगा। तो जहाँ तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आते हैं, होम स्कूलिंग करके प्राइवेट कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं है, ये तो थ्रेट है ही नहीं। थ्रेट तो ये है कि आप इसको इवैल्यूएट क्यों करना चाहते हो, और बच्चा इसको इवैल्यूएट करना चाहता है भी कि नहीं। देखते हैं कि इवैल्यूएशन के अलग अलग क्या क्या कौन है जो इवैल्यूएशन करते हैं। गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कुछ, तो वो इवैल्यूएशन नहीं होगा, तो कुछ चीज़ें उस तरीके से नहीं होगी। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम ने वो लॉ फॉलो करते हुए अगर प्री क्वालिफिकेशन नहीं है तो एडमिशन नहीं मिल सकती, तो वो एजुकेशन सिस्टम ने कर दिया इवेल्युएट। लेकिन टीचर भी तो इवेल्युएट करती है, जो स्पोर्ट्स टीचर है जिसने फुटबॉल सिखाया है वो भी कहीं ना कहीं इवेल्युएट करता है बच्चे को, हक है उसका, उसने मेहनत डाली है तो वो देखेगा कि कितना बच्चा कर रहा है अच्छा। उसके बाद आती है, उसके भी पहले आती है सोसाइटी, जो सोसाइटी भी खुद उनको किसी ने नहीं दिया है वो हक, लेकिन वो भी इवैल्यूएट करती है अपने तरीके से, खुद के बच्चे को दूसरे के बच्चे को भी। और फिर पेरेंट्स, पेरेंट्स भी तो इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को। मैं तो बोलती हूँ होम स्कूलिंग करने वाले पेरेंट्स भी इवैल्यूएट करते होंगे। हम जो बोलते हैं, कल बहुत सुंदर लेक्चर था एब्यूज के बारे में, तो बोलते हैं तो वो बोलने में भी बच्चे के मन के ऊपर क्या उसके परिणाम हो रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो अगर बोलने में हम लोग बार बार इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो बच्चे को कैसे लेना चाहिए और बच्चा कैसे लेता होगा, सोचने वाली बात है। लेकिन ये कौन सोचता है कि बच्चे को भी खुद को इवैल्यूएट करने में दिलचस्पी जरूर रहती है। किसको अच्छा नहीं लगता, आज आज इधर 14 लोग हैं और कितने कमेंट्स हैं, मैं भी तो बाद में देखूंगी, राइट। लोगों से कितना एप्रिसिएशन मिला है, अगर किसी ने सुंदर सा चित्र बनाया और अगर उसको लगता है कि मैं लोगों को दिखाऊं और उसको अच्छा लगता है लोगों के कि नहीं, ये मैं समझना चाहता हूँ, समझना चाहती हूँ। बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो। तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन का कोई ना कोई विचार आता ही होगा। तो मुझे लगता है जैसे कि ये तो कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करना, बच्चों के साथ बात करना, एम्पथी होना, और सबसे ज़्यादा बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना, वो फ्रीडम देना, किस चीज़ के लिए, नो इवैल्यूएशन के लिए नहीं। अगर नो इवैल्यूएशन से तुझे स्कूल इवैल्यूएशन तक जाना है तो भी मैं तेरे साथ हूँ, अगर स्कूल इवैल्यूएशन से तुझे नो इवैल्यूएशन तक जाना है तो भी मैं तेरे साथ हूँ। तो ये सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये विचार के साथ मुझे एंड करना चाहिए ये टॉक, इवैल्यूएशन एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन का। अगर ये टाइम की वजह से मैं कोई क्वेरीज आंसर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ज़रूर, या फिर मुझे ये भी नहीं आता है,
बोलते वक्त चैट डे के वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबको मैं नाम मैं बाद में ज़रूर पढ़ूंगी, सभी कमेंट्स पढ़ूंगी, लेकिन जिन्होंने भी टाइम निकाला है और ये बातें सुनी हैं तो वो सबको थैंक यू दिल से। और स्टे सेफ, ये कोविड में भी इवैल्यूएशन तो बहुत दूर की बात है। अभी हमको बहुत अपनी एक्टिविटी में एकरूप होके बहुत अच्छी तरह से करना पहले सीखना है। इवैल्यूएशन तो दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो स्टे सेफ इन कोविड पीरियड, अपने बच्चों का केयर ले लो, खुद का ले लो, और नित्य नूतन वार्ता के लिए भी फिर से एक बार धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मेरा लाइव जो शेयरिंग है वो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।